हर किसी के जीवन में ये कथा तुम पाओगे कि कभी एक मोमेंट तुम्हारे लाइफ में आता है और तुम कहता है कि ये मैंने पहले देखा है, ऐसा ही हम सब मिले थे, ऐसा ही मैं बैठा था, इसी कलर का सब, ऐसा ही मैंने देखा है पहले। अध्यात्म ये जानता है कि बाहर की जीवन की निर्मिति कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर से हो रही है, चाहे वो विचार ही क्यों ना हो और तुम्हारा जीवन ही क्यों ना। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन विचारों के कारण ही तुम्हारा जीवन, जैसे हमारे यहाँ पे कहते थे ना पुराने लोग कि जैसा आहार वैसा शरीर, वैसा विचार, जैसा विचार वैसा जीवन। इन विचार ये है क्या, ये है इलेक्ट्रिकल पल्सेस एक तरह के, और ये इलेक्ट्रिकल अगर पल्सेस है जो बहुत छोटे प्रमाण में है, जो हमें दिख नहीं रहे, हमें महसूस नहीं हो रहे, लेकिन हमारे सामने विचार के तहत आते हैं, इनका कुछ तो होता होगा। नॉस्ट्रोडामस की भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर, 400-500 साल पहले वो इंसान हो, नॉस्ट्रोडामस ने ऐसा कहते हैं कि हर बड़े इवेंट के बारे में इस दुनिया में वो बोल के चला गया। मजे की बात यह है कि विज्ञान 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 करने वाले लोगों के पास और अध्यात्म को, स्पेशली ज्योतिष शास्त्र को बैल बुद्धि समझने वाले और अंधविश्वास समझने वालों के पास इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से मंगा बाबा नाम की एक अंधी औरत उस तरह की भविष्यवाणियां कर पाई जो जिसने पूरी दुनिया को अपनी आंखों की ओर खींच लिया। दुनिया भर के एक्सपर्ट उसके पास बैठकर पूछते थे कि भाई आगे क्या होगा बता दे अम्मा, आगे क्या होगा बता दे अम्मा। और उस नॉस्ट्रोडामस की भविष्यवाणियों को जब सच होते देखा दुनिया ने, तो उसका भी जवाब तो नहीं था, लेकिन बात तो हुई, चीजें तो वैसे ही हुई जैसे उसने कहा था। तब इसका मतलब है कि तुम्हारे शरीर के भीतर कुछ ऐसी चीजें हैं जो भविष्य को समझ सकती, जान सकती, देख सकती। इसमें से ही हर एक एक्सपीरियंस हर किसी को होता, और वो है जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेजा वो। हर किसी के जीवन में ये कथा तुम पाओगे कि कभी एक मोमेंट तुम्हारे लाइफ में आता है और तुम कहता है कि ये मैंने पहले देखा है, ऐसा ही हम सब मिले थे, ऐसा ही मैं बैठा था, इसी कलर का सब, ऐसा ही मैंने देखा है पहले। ऐसा सबके साथ हुआ है, सबके साथ होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि तुम कोई विशेष हो, ऐसे दुनिया का हर इंसान जो इस पृथ्वी पर जन्मा, हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता कि कभी तुम कोई सपना देखते हो एंड देन इट टर्न्स टू रियलिटी कुछ समय के बाद, यार ये ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही देखा था मैंने, और कुछ ही मोमेंट के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अध्यात्म ये जानता है कि बाहर की जीवन की निर्मिति कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर से हो रही है, चाहे वो विचार ही क्यों ना हो और तुम्हारा जीवन ही क्यों ना। तो कर्म के नाम पर रोने वाले लोगों को मैं एक दो चीजें आज बता दूं। एक दो चीजें जो हमेशा नसीब के नाम पर लोग रोते हैं वो ये है, इंसान कहता है कि नसीब और भगवान और कितने भी अच्छे कर्म करो वगैरह वगैरह वगैरह, सारी बड़ी बड़ी बातें तुमने बड़े बड़े लोगों के पास सुनी। लेकिन एक सवाल जो हर किसी का आता है वो ये है कि चाहे मैं कितने भी अच्छे कर्म करूं, एक समय के बाद मुझे मेरा जीवन नरक जैसा लगता है। और उनके पास एक कॉन्ट्ररी जवाब होता है, वो कहते हैं कि उन लोगों को देखो कि जो बड़े गंदे जीते, उन लोगों को देखो जिन्होंने बड़े पाप किए, जिन्होंने दुनिया को फंसाया, वो बड़े मजे से जी रहे। ये जवाब सबका है, लेकिन मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम जीवन के बारे में थोड़ा सा अपने सोचो तो ये जो ऑरा एनर्जी है ना, यही तुम्हारे जीवन को बना रही, और ये ऑरा एनर्जी जो है ना तुम्हारी, ये ऑरा एनर्जी नियंत्रित होती है या बनती है तुम्हारे अपने विचारों से। जिस तरह की सोच तुम रखोगे उसी तरह की ऑरा एनर्जी तुम्हारे आसपास बनती चली जाएगी। अगर मैं तुम्हारे जीवन की बात करूं, तुम कहते हो कि बड़ा तुमने जीवन में अच्छा काम किया, सत्कर्म किए दुनिया के हिसाब से, तुम्हारे अपने विचार कैसे हैं दुनिया के लिए, चाहे तुमने किसी का गला ना काटा हो, लेकिन कई बार अपने सपनों में अपनी सोच में तुमने कईयों का गला काटा है, काटा है, बिल्कुल काटा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये जो तुम्हारे भीतर जलन और अहंकार और निगेटिव विचार कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन विचारों के कारण ही तुम्हारा जीवन है। जैसे हमारे यहाँ पे कहते थे ना पुराने लोग कि जैसा आहार वैसा शरीर वैसा विचार, जैसा विचार वैसा जीवन। ये बेवकूफ नहीं थे लोग, ये जानते थे, इस चीज को जानते थे कि जिस तरह के हमारे विचार होंगे, इन विचार ये है क्या, ये है इलेक्ट्रिकल पल्सेस एक तरह। जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स है वो जानते हैं कि विचार का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कोई शब्दों की रचना हमारे दिमाग में चल रही है, ये एक तरह की इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही है। और ये इलेक्ट्रिकल अगर पल्सेस है जो बहुत छोटे प्रमाण में है, जो हमें दिख नहीं रहे, हमें महसूस नहीं हो रहे, लेकिन हमारे सामने विचार के तहत आते हैं, इनका कुछ तो होता होगा। बुद्ध कहते थे कि कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है जो अछूती है या जो ब्रह्मांड में विलीन हो जाती,
कोई ऐसी याददाश्त नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं होती जो लुप्त हो जाए। इस ब्रह्मांड में हर कुछ सुरक्षित रहता है। इसका मतलब एक ही है कि जो छोड़े गए सारे के सारे विचार है ना, वो कहीं ना कहीं आज भी सुरक्षित। तो तुम्हारे आसपास जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे दिमाग में, उससे जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस बन रही है उसके हिसाब से तुम्हारा ओरा का पूरा चक्कर बन। तो वो लोग जो हमेशा कहते हैं कि भाई मेरा जिंदगी, मैंने तो अच्छे कर्म किए, देखो मुझे क्या मिला, देखो मेरी जिंदगी, ऐसा जो गाते रहते हैं हमेशा जीवन के बारे में नेगेटिविटी, मैं तुमसे कहता हूं कि एक बार अपने जीवन को देखना, एक बार अपने विचारों को देखना, तुम पाओगे कि 99% ऑफ द टाइम तुम्हारे जो विचार है वो नेगेटिव है, अपने बारे में हो या दुनिया के बारे में। तुम हमेशा अपने दिमाग में रो रहे हो, मेरी जिंदगी में कुछ पड़ा नहीं है, मैंने सबके लिए किया, कोई मेरी याद नहीं रखता, सबको यह गद्दार है, ये वो सौ। और उम्र के साथ, समय के साथ ये चीजें बढ़ती है। पहले तुम अपने माँ बाप को गाली दोगे, देन यू गो टू योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, देन तुम जाओगे अपने पति के पास, देन अपने सास ससुर बच्चे, बच्चों के बच्चे, उसकी औरतें, उनका पूरा परिवार, ये सब कुछ ऐड होते जाएंगे उनमें, है ना। पहले जब तुम बच्चे थे तो दोस्तों को गाली देते, समय के साथ माँ बाप को देने लगे, बाद में पति, पति की माँ, पति का बाप, या पत्नी की माँ, पत्नी का बाप, उसका खानदान, फिर तुम्हारे बच्चे, बच्चों के दोस्त, बच्चे के माँ बाप, सॉरी बच्चे की जो भी होंगे, लड़का लड़की क्या औरत पति, उनके बच्चे, उसके लाइफ में आया हुआ इंसान या लड़की के जीवन में होने वाले लोग, इन सब का ये बड़ा तुम्हारा नेगेटिविटी का घेरा। भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो कुत्ता कमीना, ये हरामजादा, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये डिचकिया हूं, डाचकिया हूं, ये पूरी दुनिया गलत है, और मैं अपना परमात्मा का इकलौता लड़का, जीजस का पुत्र, द वन एंड ओनली। इस तरह से जो तुम्हारी सोच है कि सारी की सारी दुनिया बस तुम्हें तड़पाने में लगी हुई है, सारे के सारे लोग बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं दिन रात, इतने तो प्रेशियस हो तुम, कोहिनूर के जैसे। मैं सोच के देखना, कोई तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करता, तुम्हें ही लगता है कि बड़े तुम हूर के नूर हो कि दुनिया तुम्हारे बारे में सोच रही। अगर कोई रास्ते से ऐसे हंस भी दे तुम्हारी और देखकर, तो तुम देखते हो अरे ये क्यों हंस रहा, और पूरा दिन भर सोचोगे कि अरे वो हंसा क्यों मेरे को देखकर, कुछ तो होगा, क्या सोच रहा था वो मेरे बारे में, क्या मेरा कपड़ा बराबर नहीं है, क्या वो मुझे कहना चाहता मैं कितना गंदा दिख रहा। अगर तुम अपने जीवन को देखोगे तो तुम पाओगे कि 99% ऑफ द टाइम तुम्हारे थॉट नेगेटिव है, और इन नेगेटिव थॉट से बनेगे तुम्हारा उस तरह का ऑरा, और वो ऑरा उसी तरह की एनर्जीज को एक्सेप्ट करेगा, सिमिलर चीजों। इसलिए तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन तुम पाओगे कि हमेशा गड्ढे में जा रहा। इसलिए तो अच्छे विचारों की या अच्छे कर्मों की इतनी पूरी की पूरी गतिविधियों को निर्मित किया गया। अगर तुम अध्यात्म को भी देखोगे तो तुम पाओगे कि अध्यात्म में एक चीज बड़े ताकत के साथ लागू की जाती है, और वो है हारमोनी। जब भी कोई साधक किसी आश्रम को या कोई गुरु को ज्वाइन करता है, या पहले के जमाने में भी, आज के जमाने में भी जो आश्रम बहुत पुराने तरीके से चल रहा है, वो कहते हैं पहली बात जीवन टूट गया, तुम अब जीवन से कोई लेना देना नहीं, ना कोई तुम्हारा सगा है, ना ही कोई विरोधी। इसका कारण है कि अब तुम किसी के बारे में सोचो मत, तुम्हारी पूरी की पूरी एनर्जी तुम्हारे शरीर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए। वो कहते हैं लिव इन द हार्मोनी, जितना जरूरी है निसर्ग से उतना ही लो, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। किसी प्राणी को भी मत मारना, किसी इंसान को भी तकलीफ मत देना, ऐसे बोल में मत बोलना किसी को तकलीफ हो जाए, क्योंकि अगर उसे बुरा लगा तो उस एनर्जी को भी तुम्हें कभी ना कभी सहना पड़ेगा। इतने डीपली इंसान ने खुद को स्टडी किया, जिसका मेन रीजन, जिसका मुख्य जो सोर्स था वो था ज्योतिष शास्त्र। ये वैसे ही है जैसे आज हम अगर कहें फिजिक्स, तो तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि लियोनार्डो द विंची जो थे, जिन्होंने मोनालिसा वगैरह की पेंटिंग बनाई और बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे उस दौर के, तो ये इंसान केमिस्ट्री में भी काम करता था, बायोलॉजी में भी काम करता था, फिजिक्स में भी काम करता था, ये पेंटर भी था, ये युद्ध के हिसाब से चीजें भी बना ले रहा, मतलब मल्टीपल चीजों का उसका ज्ञान था। और क्यों था? क्योंकि उस वक्त उस समय का ज्ञान ही थोड़ा सा, उन चीजों से रिलेटेड ज्ञान ही थोड़ा सा था, फिजिक्स थोड़ा सा ही था, कुछ ही था जो जानने लायक था, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा ही कुछ पता था, चाहे वो केमिस्ट्री हो थोड़ा थोड़ा पता था, मतलब बहुत आसान था। आज ऐसा नहीं, अगर तुम फिजिक्स की शाखा की बात करो तो उसके भीतर अब हजारों शाखाएं खुल चुकी, लेकिन फिजिक्स इज द बेस। तो जब इंसान के तत्वों को स्टडी करने की बारी आई, जब पता करना ये चाहा गया कि इंसान का भविष्य क्या है, वो आया कहां से है, और ये भविष्य को क्या बदला जा सकता है, इस तरह के सवाल जब पड़े, तो उसका रीजन या उसकी शुरुआत थी, उसका विज्ञान का नाम था ज्योतिष शास्त्र।
उसी से सारी की सारी तुम्हारी साइकोलॉजी, उसी से तुम्हारी पूरी हीलिंग एनर्जी, उसी से तुम्हारे सारे चक्र एनर्जीज, उसी से तुम्हारा भविष्य का ध्यान, पूर्वजों का ध्यान, इतिहास के बारे में, पिछले जन्मों की साधनाएं, पिछले जन्मों की पूरी जो फोबिया टेक्निक्स है, रीलिविंग की टेक्निक्स है, ये सब इसी विज्ञान के द्वारा जनरेट हुई। जस्ट बिकॉज कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो है नहीं। बराबर, इतना ही समझ लो कि हमारा विज्ञान अभी उतना जनरेट नहीं हुआ कि उस बड़ी चीज को अभी समझ सके। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, हम प्रूफ्स के साथ जा रहे हैं, और जितना हमारा ज्ञान बढ़ रहा है दिन ब दिन, हमने यही पाया कि एवरी न्यू रिसर्च हमें बता रही है कि ज्योतिष शास्त्र वर्क्स। मैं तुमसे चैलेंज के साथ कहता हूं कि जब भी तुम्हारे सामने कोई कहे कि ज्योतिष शास्त्र काम नहीं करता, उसे एक ही कहना, प्रूफ कहां पे है? ये किसी ने कहा नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं इन्होंने कहा ज्योतिष शास्त्र काम नहीं करता, उन्होंने, उनको छोड़ दो, वो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी उतनी औकात नहीं है हम उनसे सुने। तुम अगर कह रहे हो मेरे बाप, प्रूव इट। या दुनिया का कहीं पर हुआ एक एक्सपेरिमेंट हमें बता दो जो ये एक्सपेरिमेंट हमसे कहता है कि ज्योतिष शास्त्र काम नहीं। बात तो सिर्फ साफ है ना, तो साफ। और बोलना अगर नहीं तो चलो तुम्हारी पत्रिका देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो इंसान सही बताता भी है। दोनों तरह से जब भी कोई तुम्हारे सामने कोई एक्सपेरिमेंट रखे या बताए कोई बड़ी बड़ी बातें, मैं तुम्हें बताता हूं गहरी चीज यह है, विज्ञान के द्वारा जो भी कहता है ना कि ये चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है, कहने वाला वैज्ञानिक अगर तुमसे कहे कि नहीं नहीं ये साइंटिफिकली, उससे एक ही चीज पूछना, उससे कहना रॉ डेटा कहा। अगर वो सच में थोड़ा भी वैज्ञानिक है तो वो डर जाएगा अगर उसके पास वो नहीं है, और वो समझ जाएगा कि सामने वाले से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इसको थोड़ा ज्यादा ही पता है अपने से। रॉ डेटा का मतलब है कि ये कंक्लूजन आया कैसे, ये ऐसी है कि E is equal to MC square, अगर आइंस्टाइन चिल्लाता E is equal to MC square है तो लोग बोलते हाँ हम समझ गए, लेकिन ये आया कहां से, ये E is equal to MC square आया कहां से, E कहां से आया, M कहां से आया, C कहां से आया, ये सबका कॉम्बिनेशन कैसे बना। ये तो ऐसे ही है कि टीचर तुम्हें एक इक्वेशन दे और तुम उसका जवाब दे दो, ये जो बीच की प्रोसेस है ये कहां पे है, इसको कहते हैं रॉ डेटा। तो जब भी कोई अगर तुम्हारे सामने कोई एक्सपेरिमेंट भी आए तो इतना ही पूछना कि रॉ डेटा कहां पे, और तुम पाओगे कि कोई रॉ डेटा है ही नहीं। वो कहेंगे इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने इतना पढ़ा, वो झूठ कह रहे होंगे क्या? अरे बबलू त्याचे कारण वेगळे अशी। जब एक पति कहता है सबके सामने कि नहीं नहीं मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूं, इसका इतना ही मतलब है कि पत्नी पीछे बैठी। बात तो सिंपल, ये वैसे ही कि चाहे तुम कुछ भी कहो, रॉ डेटा, एक बार जाने तो दे पत्नी को, वो खुद बताएगा, चिल्ला चिल्ला के बताएगा जो भी है। तो ज्यादा भरोसा मत कर लेना क्लेम करने वालों, वो जो है ना जो उसने बताया सबके सामने, उसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, या समाज में जीने लायक व्यवहार, या खुद के पतन का कारण ना बनना, ये दोनों तीनों चीजें हैं उसमें। क्योंकि अगर कह दे तो घर पे खिलाएगा, कह दे तो भाई एक बात खत्म हो, कितने महीनों तक झगड़े चले उसका उसको पता, और कह दे तो माफी उसी को मांगनी है ये भी जानता, तो भाई कहना ही क्यों, जान तो झूठ बोल दो नहीं आ पा रहा। ऐसे ही लेना इन चीजों को। ज्योतिष शास्त्र के बारे में और भी कुछ चीजें हैं जो हम कल बात करेंगे, जहां तक हो सकते हैं हमने कुछ सवालों को आंसर करने की कोशिश किए हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ किसी को है तो हम कल और देख लेंगे। एक चीज को समझ लो कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन वो उतने ही हो पाएंगे जितना बेटा तुम्हारी एनर्जी सप्लाई है। ये उसी तरह से लेना कि जैसे बुद्ध की कथा है कि कहा गया कि ये तो विश्व विजेता बनेगा, चाहे तलवार की नोक पर बने या भगवे की चोट पे बने, चाहे सन्यास लेके बने या तलवार हाथ में लेके बने, बनेगा तो विश्व विक्रम बनेगा, तो कुछ ऐसा कि दुनिया सलाम ठोकेगी हमेशा। पॉसिबिलिटीज दोनों है, क्यों? क्योंकि एनर्जी सप्लाई उतना था, ये जो उसके हाथ का कर्म है ना वो उनके हाथ का, इसको ऐसे ही ले कि पॉसिबिलिटीज तुम्हारे पास है क्योंकि एनर्जी तुम्हारे पास है।
ज्योतिष शास्त्र को इसी हिसाब से देखना, डिपेंडेंट मत हो जाना ज्यादा। अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ ज्योतिष शास्त्र काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज घर से निकलने से पहले अपनी पत्रिका को देखो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम पूरा का पूरा उस पर डिपेंडेंट हो जाओ। इसका इतना ही मतलब है कि तुम इतनी बेसिक चीज समझो कि भाई ये जो जीवन का आगे का प्रवास है 10-20 साल का, इसमें किस तरह की गतिविधियां होने वाली, किस तरह की मुझे एनर्जी सप्लाई मिलता रहेगा, उसके हिसाब से मैं कुछ तय कर सकूं। अगर तुम्हें कोई बिजनेस शुरू कर रहा है और अगर तुम देख लो कि भाई 2 साल के लिए सही समय नहीं है, तो तुम थोड़ा रुको, और जब 2 साल के बाद सही समय है तो सबको डाल दो, कि तो चलेगा ही। वो वैसे ही है कि तुम देख रहे कि वोल्टेज कम है, 100 लाइट लगाने से क्या फायदा, कुछ प्रकाश नहीं देगा, एक ही लगाओ, शांति से बैठो, पड़े सब। जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है सब कुछ लगा दो, प्रकाश ही प्रकाश। ये वैसे ही हुआ जैसे आज हमारे साथ कि जब प्रवचन शुरू हुआ तब लाइन गई हुई थी, तो इन्वर्टर पे जितना चल सकता था हमने चलाया, तो सप्लाई लिमिटेड था, तो हमने एक ही लाइट को, दो ही लाइट को शुरू रखा, और जैसे ही पूरी लाइन आ गई हमने सब कुछ लगा दिया, अब दौड़ो मरो। इसे इसी तरह से समझने की कोशिश करना। तो अपने कर्मों का चयन तो तुम्हारा ही है, और वो कर्मों का चयन कहीं ना कहीं तुम्हारे विचारों पे डिपेंडेंट है, और वो तुम्हारे विचार तुम्हारे ऊर्जा शक्ति से डिपेंडेंट है, और वो तुम्हारी ऊर्जा की शक्ति तुम्हारी पूरी की पूरी भाव गति, या जहां बीज तुम्हारा रोआ गया और जो तुम्हारी कंडीशनिंग हुई उससे धीरे 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 बनी। जो मजे की बात यह है, कहीं ना कहीं पे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तुम्हारे नसीब से जुड़ी।